आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथ पूरे देश की 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मिलकर ये पार्लियामेंट मार्च कर रही हैं। इसकी मेन डिमांड है कि सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। जैसे कि हमारी देश की कंडीशन है, गवर्नमेंट को 5 साल हो गए हैं पूरे किए हैं। गवर्नमेंट इस आधार पर सत्ता में आई थी कि लगभग 2000 नौकरियां हर साल हमारे युवाओं को देंगे, मगर हुआ क्या है कि 5 साल बीतने के बाद भी आज किसी भी युवा को सरकारी नौकरी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हुई। और शिक्षा का पूरी तरीके से मुहारीकरण कर दिया गया है, सारी की सारी शिक्षा प्राइवेट हाथों में लेकर। ये लोग समझते हैं कि जो लोग आज शिक्षा लेना चाहते हैं उनसे कैसे ना कैसे ये शिक्षा का अधिकार छीना जाए। आपने देखा है कि पिछले समय में जिस तरीके से यूनिवर्सिटी पर हमला किया, वहाँ पर काम करने वाले छात्रों को जो ये आवाज़ उठाते हैं कि हमें शिक्षा दी जाए, उनको देशद्रोही ऐलाना गया। उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट हमारा यह पार्लियामेंट मार्च है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जब 2019 में इलेक्शन हो तो सत्ता पर काबज वो सरकार हो जो एजुकेशन सभी को देने के लिए कानून बनाए, जो सभी को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कानून बनाए। और हमारा यह पार्लियामेंट मार्च इस बात के लिए है कि सभी युवाओं को अगर रोजगार देना है तो देश की पार्लियामेंट में भगत सिंह के नाम पर एक देश स्तर का कानून पारित होना चाहिए, जिसको हमने भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट का नाम दिया है। शॉर्ट में हम इसको बनेगा बोलते हैं। जब तक ये एक्ट देश की पार्लियामेंट में पारित नहीं होता, देश की सबसे बड़ी अदालत इसको पारित नहीं करती, हम देश के युवाओं को और छात्रों को नहीं बचा सकते। इसके लिए हमारा ये पार्लियामेंट मार्च है। अगर आपकी मांगे सरकार ने पूरी नहीं की तो आप क्या करेंगे? हमारा आज अगर पिछली बार देखना हो तो 40 करोड़ युवाओं ने वोट डालकर इस बात के लिए कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसके एजेंडे पर है 2000 नौकरियां, इसी लिए युवाओं ने उनको वोट डाला है। और सत्ता पर युवा ये मोदी की गवर्नमेंट है जो उसको लेकर आई थी। अगर हमारी बातें नहीं मानती तो देश का युवा उन सारी राजनीतिक पार्टियों को जो अपने एजेंडे पर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को नहीं लेकर आते, उनको खारिज करेगा। और इस बात के लिए कि अगर आप उस जगह पर जहाँ पर देश के लिए जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके लिए जहाँ पर कानून पारित होते हैं, अगर आप उस कुर्सी पर बैठकर हमारे साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो आप उस कुर्सी के हकदार नहीं हो। उस कुर्सी को छोड़कर जो युवा हैं वो खुद ही इस बात के लिए आवाज़ उठाएं कि हम वहाँ पर बैठकर हमारे देश के लिए जो है वो कानून बना सकते हैं। इसकी मुख्य मांग एक है, शिक्षा के पीछे 10% सेंट्रल बजट मिलना चाहिए, केंद्र बजट का 10वां हिस्सा 10% मिलना चाहिए। ये सरकार जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो दिन प्रतिदिन जो बजट कम कर रही है, इस बार तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों में आप 20% जो यूनिवर्सिटी का खर्चा है वो आपको मैनेज करना है। आप नाच करो, डांस करो, शादी ब्याह की पार्टी के लिए कॉलेज के कैंपसेस दो, आप कुछ भी करो, आप जुआ खेल सकते हो, आप शराब का ठेला खोल सकते हो, पर पैसा इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी चलाओ। ये तो ऐलान किया, ये सबसे घातक है। ये नीति कांग्रेस की है, कांग्रेस की नीति ही अमल कर रही है जो उदारीकरण वैश्वीकरण, उसके विरोध में ये एक ऐलान है और ये एक सूचक है। कोई भी सरकार बनेगी शिक्षा के पीछे 10% देना चाहिए, छात्र और आंदोलन गलत होंगे। पिछले साल में 2018 का जो आंकड़ा है 1 करोड़ 10 लाख लोगों का काम चला गया, और वहाँ पर दूसरी जगह आप देखिए काम नहीं मिलता है लोगों का, वहाँ पर जात पात धर्म के आधार पे ये गुस्सा को इस्तेमाल करके ये डिवाइड करने वाला है। ये हम लोगों का कहना है, धर्म के नाम पे मत तोड़ो, नौजवानों को काम से जोड़ो, ये हम लोगों का मांग है। आप देखिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर जगह उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस जगह हम लोगों का कहना है, और दूसरी जगह सरकार पैसा दे रहा है गौशाला के लिए, सरकार पैसा दे रहा है चाचू बनाने के लिए, हम लोगों का कहना है बहुत रुपया गौशाला आप चाहिए पाठशाला, ये हम सब मांगों को लेकर हम लोग चाहते हैं। जेंडर वायलेंस हो रहा है कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी में,
ये बंद हो, ये सब मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग का शपथ यही होगा कि आज हजारों तादाद में 24 लोग आए हैं, हम लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। ये हम लोग यहाँ पे मंच से हम लोगों को यहाँ पर शपथ देंगे। सर, जैसे सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मांगे तो पूरी नहीं करेगा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ उखाड़ के फेंकना होगा। और मांगे नहीं पूरा करेगा। ये सरकार जन विरोधी, ये सरकार छात्र विरोधी सरकार है, ये हम लोगों को पता है।